नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये डी लिंक कंपनी का मोडम है इसकी सेटिंग मैं आपको करना सिखाऊंगा। डी लिंक है, इसका आईपी है 192.168.1.1, यूजर नेम एडमिन है और पासवर्ड भी एडमिन है। 12 वोल्ट और 0.5 एम्पियर का इसका पावर सप्लाई है, मैंने पावर सप्लाई प्लग इन कर रखा है। तो पहले इसके लाइटों के बारे में हम समझ लेते हैं। यह है आपकी पहली लाइट जो पावर सप्लाई को इंडिकेट करती है। यह वाली वायरलेस की है, जिसके थ्रू आप मोबाइल में या किसी भी वायरलेस डिवाइस में वाईफाई चलाओगे। और ये जो ब्लिंक कर रही है वो लिंक की लाइट है। ये लिंक वाली लाइट आपकी तभी स्टेबल होगी जब आप इंटरनेट कनेक्शन आप इसको दोगे। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको एक वायर प्रोवाइड करेंगे जो इसके डीएसएल पोर्ट में इंसर्ट होगी। ये डीएसएल पोर्ट रहा, ये डीएसएल पोर्ट में इंसर्ट करोगे जैसे ही, तो ये आपकी डीएसएल वाली लाइट स्टेबल हो जाएगी। उसके बाद मॉडेम की सेटिंग करोगे, उसके बाद ये साथ में इंटरनेट वाली लाइट है वो भी ग्लो होने लगेगी। मैं आपको दिखाता हूँ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वो कैसी केबल देते हैं आपको। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको ये केबल आपके घर तक पहुंचा देंगे। और एंड में ये RJ11 है, ये क्लिप लगा हुआ रहेगा जो कि आपके मोडेम में आसानी से इंसर्ट हो जाएगी। मेरे पास जो कनेक्शन है वो भारत संचार निगम लिमिटेड का है, और मैं आपको मोडेम की सेटिंग करके दिखाता हूँ। पहले मैं ये क्लिप मोडेम में इंसर्ट कर देता हूँ। ये मोडेम का बैक एंड है और ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा आई हुई लाइन है, मैं इसको मोडेम में इंसर्ट कर देता हूँ। ये इंसर्ट हो गया, अब मैं मोडेम की सेटिंग करता हूँ। मोडेम की सेटिंग के लिए सबसे पहले आपको एक पीसी की ज़रूरत पड़ेगी, या इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वाईफाई इसका ऑन रहता है, इसे आप मोबाइल के थ्रू कनेक्ट करके आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। पहले हम इसको मोबाइल से सेटिंग करते हैं। मैंने मोडेम को रीसेट कर दिया है। इसके पीछे एक बटन होता है, एक पोर्ट प्रोवाइड होता है रीसेट का। इसमें आप 10 सेकेंड्स के लिए पिन दबा कर रखो तो ये रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने के बाद ये सारी लाइटें फिर से आएगी। अब मैं इसके वाईफाई ओपन है, इसमें कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ है। इसको आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कीजिए और इसकी सेटिंग ओपन कीजिए। आइए मोडेम की सेटिंग करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में वाईफाई का सेक्शन ओपन कीजिए, और डी लिंक है, इसमें कोई पासवर्ड नहीं सेट किया हुआ है। कनेक्ट होने दीजिए इसको। कनेक्टेड, नो इंटरनेट एक्सेस। इसके बाद आप गूगल क्रोम ओपन करो, इसमें आईपी सर्च करो 192, स्टे कनेक्टेड कर दीजिए 192.168.1.1, इसे आप सर्च कीजिए। डी लिंक का राउटर ओपन हो गया, एक्सेस हो रहा है मुझे। ये यूजर नेम एडमिन है, पासवर्ड भी बाय डिफॉल्ट एडमिन होता है। लॉगिन कीजिए और आपने सेटअप में जाना, ये सेटअप है। सेटअप वाले पेज में ये सेटअप विजार्ड है, इसके सारे स्टेप्स हमने पूरे करने हैं। सेटअप विजार्ड पे क्लिक किया, नेक्स्ट कर दो आप। टाइम एंड डेट सेटअप है ये, इसको भी आप नेक्स्ट कर दो। ये मेन है आपका, जिसमें इंटरनेट सेटअप, इंटरनेट कनेक्शन है, प्रोटोकॉल PPPoE, इनकैप्सुलेशन मोड LLC, VPI VCI 035 होनी चाहिए, क्योंकि मेरा कनेक्शन ये BSNL का है इसलिए 035 स्पेसिफाई किया हुआ है। मेन सेक्शन है आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम मेरे को प्रोवाइड किया गया है, एजुकेटेड ILLITERATE, एजुकेटेड इलिटरेट, और पासवर्ड पासवर्ड ही है PASSWORD। कंफर्म पासवर्ड PASSWORD। ध्यान रहे यूजर नेम आपने सही से भरना है, पासवर्ड है पासवर्ड ही है। कंफर्म पासवर्ड में ही मैंने पासवर्ड भर दिया है, नेक्स्ट कर दो। ये आपका वायरलेस नेटवर्क सेटअप, वायरलेस नेटवर्क जो आप शो कराना चाहते हो, इसे मैं डी लिंक ही रहने देता हूँ। जो मर्जी आप इसमें भर लो। उसके बाद सिक्योरिटी लेवल है आपका WPA 2PSK पे क्लिक करो, और प्री शेयर्ड की में जो आपने पासवर्ड भरना है वो पासवर्ड आप भर दो। मैं पासवर्ड रख देता हूँ 123456 78, मिनिमम 8 लेटर्स होने चाहिए, और इसे आप नेक्स्ट कर दो। लास्ट स्टेप है सिक्योरिटी का, आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो राउटर लॉगिन का या नहीं, मैं इसे स्किप कर देता हूँ।
या आपने जितनी सारी इन्फॉर्मेशन भरी है वो यहाँ पर आ जाएगी। यूज़र नेम एजुकेटेड इलिटरेट है आपका, पासवर्ड पासवर्ड है, डीलिंग शो करेगा और इसका वाईफाई का पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8। अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने पर यह पासवर्ड सेटिंग को सेव करेगा, उसके बाद आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑपरेशनल मोड में होगा। तो थोड़ी देर में चलते हैं वापस मोडम की तरफ। तो ये मोडम की सेटिंग कर दी है मैंने और ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा लाइन का लास्ट एंड है जिसे मैं मोडम में प्लग इन करता हूँ। लॉग इन कर दिया मैंने, अब देखते हैं ये लिंक वाली लाइट है, ये लिंक वाली लाइट स्टेबल हो जाएगी, उसके बाद ये इंटरनेट वाली लाइट ग्रीन हो जाएगी। थोड़े टाइम बाद वेट करते हैं। इंटरनेट वाली लाइट रेड हो गई है और लिंक वाली लाइट स्टेबल है, इंटरनेट वाली लाइट थोड़े टाइम में ये भी ग्रीन हो जाएगी, उसके बाद इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा। वेट करते हैं। इंटरनेट वाली लाइट भी ग्रीन हो गई, इसका मतलब कि इंटरनेट ऑपरेशनल है, इंटरनेट अभी चल रहा है। अगर कोई तार में पीछे से फॉल्ट होती है तो आपका ये लिंक वाला लाइट बिल्कुल नहीं आएगा, ये लिंक होने लगेगा। जब लिंक वाली लाइट नहीं आएगी तो इंटरनेट वाली लाइट भी नहीं आएगी। तो ये था दोस्तों BSNL के द्वारा दिया गया इंटरनेट कनेक्शन, जिसकी सेटिंग मैंने डीलिंक मोडम में आपको अच्छे तरीके से बताई है। तो और भी वीडियो ऐसे आते रहेंगे, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।